नमस्कार दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लिपिका अपडेट्स। आज हम लोग बनाएंगे छोले पनीर। इसे बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए मैंने यहाँ पे सब कुछ ले लिया है। मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा प्याज को छोटे बारीक टुकड़ों में पीसेस कर लिया है। थोड़े से चने जो है वो भी है, ऑलरेडी मैंने नमक डाल के उबाल लिया है। एक बड़ा टमाटर को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है और थोड़े से खड़े गरम मसाले और 7 से 8 काजू ले लिए हैं और थोड़े से पनीर पीसेस करीबन 150 ग्राम और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम टमाटर, खड़े गरम मसाले और जो हमने जो 7-8 काजू लिए थे उसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अब हम कढ़ाई में करीबन 2 चम्मच तेल लेंगे। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो पनीर के पीसेस को जो हम अच्छे से थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। छोले पनीर में अगर पनीर को अगर अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो पनीर हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम करीबन 1 छोटा टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरे में जब अच्छे से चटक आ जाए तब उसके बाद हम इसमें जो हमारा जो बारीक टुकड़ा किया हो जो प्याज है उसे भी डाल देंगे। प्याज को हमें इसमें अच्छे से भून लेना है। आप चाहे तो प्याज का पेस्ट करके भी डाल सकते हैं लेकिन भुना हुआ प्याज का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम प्याज में थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा प्याज जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें जो बारीक जो हमारा जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है हम इसे भी डाल देंगे। ये वीडियो एडिटिंग के बाद आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आता होगा ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर में जो है वो कीटन चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर दिस। अब अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो अच्छे से देख सकते हैं कितना अच्छे से भुन चुका है। अब इस स्टेज में हम करीबन 1 चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच ही दे देंगे इसमें लाल मिर्च, क्योंकि हमने जो पेस्ट मसाले का जो पेस्ट बनाया है उसमें काफी हमने काली मिर्च डाली हुई है तो उसको ध्यान में रख के आप लाल मिर्च को डालें। अब हमारा जो सूखा मसाला अच्छे से भुन गया है तो हमने जो मसाले का जो पेस्ट बना के रखा था, टमाटर,
और बाकी सारे जो खड़े मसाले उसको भी हम डाल देंगे। पेस्ट मसाले को आप अच्छे से भूनिए जब तक कि इसका तेल ना निकल आए। अब हमारा जो मसाला अच्छे से भून चुका है तो वो इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, बस थोड़ा सा डालिए। पानी डालने के बाद इसको वापस से हाई फ्लेम में दो मिनट तक चलाते रहिए। इससे जो मसाले का जो पेस्ट है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। हमारा अच्छे से तैयार हो गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा मसाला बना है। अभी स्टेज पे हमारा जो उबला हुआ जो चना है उसे डाल देंगे और उसको अच्छे से मसाले के साथ मिला लेंगे। अब इसमें हम पनीर के टुकड़ों को भी डाल देंगे। जब हमारे पास थोड़े से पनीर होते हैं यूजुअली घर पे, तो हम इस रेसिपी को बना लेते हैं, क्योंकि थोड़े से पनीर का आप अगर सिर्फ पनीर का ही करी बनाएंगे तो किसी के लिए नहीं होगा। इसलिए हम पनीर और चने की मिलाकर ये करी बनाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसे अच्छे से भून लेने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी देंगे। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से आप इसमें उबाल आने दें। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो इस स्टेज पे हम कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथों में मलकर अच्छे से मिला लेंगे। इसमें डालकर कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, पनीर या फिर छोले के करी के साथ बहुत ही अच्छा आता है। इवन आप अगर कोई चीज़ का अगर कोरमा भी बना रहे हैं, जैसे कि परवल का कोरमा, जैसे आप उसकी रेसिपी भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर है, तो उसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अगर कोई भी आप इस तरह का करी बनाते हैं और उसमें अगर कसूरी मेथी डालते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो हमारा करी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कितना आसान और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में आप जल्दी से बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो इस तरह के और भी रेसिपी देखने के लिए प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिपका अपडेट्स। और आपको अगर इस तरह की और भी मज़ेदार रेसिपी या फिर और कोई रेसिपी देखना हो तो आप नीचे कमेंट में जाके मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।